हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक। तो प्रश्न नंबर एक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो ऑप्शन नंबर सी, माँ की मार के कारण। क्वेश्चन नंबर दो, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज तो ऑप्शन नंबर डी, कथक के नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर चार, विलनव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक शहर है। क्वेश्चन नंबर पाँच, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहल पुस्तिका से। क्वेश्चन नंबर छः, अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी, सुधा। क्वेश्चन नंबर सात, मंगू की बड़ी बहन का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी था। क्वेश्चन नंबर आठ, सात कोड़ी होता कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर नौ, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी, तैयार होना। क्वेश्चन नंबर दस, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर बारह, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए, परी। क्वेश्चन नंबर तेरह, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं मिलना। क्वेश्चन नंबर चौदह, अपकांश शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी, अब। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, हिरोशिमा किस देश में है। तो ऑप्शन नंबर सी, जापान में। क्वेश्चन नंबर सोलह, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर सत्रह, मगम्मा को किससे विवाद था। तो ऑप्शन नंबर बी, बहू से। क्वेश्चन नंबर अठारह, लक्ष्मी के पति का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के। क्वेश्चन नंबर बीस, पपाती बेहोश क्यों पड़ती थी। तो ऑप्शन नंबर बी, तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर इक्कीस, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी, करमचंद्र गांधी। क्वेश्चन नंबर बाईस, राजगिरी कौन समास है। तो ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर तेईस, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी, मैं। क्वेश्चन नंबर चौबीस, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सगुण भक्ति धारा के। क्वेश्चन नंबर पच्चीस, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि। क्वेश्चन नंबर 26, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी,
ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 29, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 32, भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी भाषण। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 34, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो ऑप्शन नंबर ए इंद्र का ब्रज। क्वेश्चन नंबर 35, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 36, आवेन्यो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए रोन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 37, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 38, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्तक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सर्दी। क्वेश्चन नंबर 40, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति में किस कविता के उद्गत हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भारत माता का। क्वेश्चन नंबर 42, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर बी कविद में। क्वेश्चन नंबर 43, अमराई का कुआं कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए शहर में। क्वेश्चन नंबर 44, पप्पाती की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी बहुओं की कलह से। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती ने। क्वेश्चन नंबर 47, कुंवर नारायण कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना के। क्वेश्चन नंबर 48, सेनापति में कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 49, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? तो ऑप्शन नंबर बी मित्रता। क्वेश्चन नंबर 50, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 51, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो ऑप्शन नंबर बी संतु। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 53, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज। क्वेश्चन नंबर 54, जारशाही कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए रूस में। क्वेश्चन नंबर 55, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सरहपाद की। क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए राम ने पुस्तक खरीदा। क्वेश्चन नंबर 57, नागरी लिपि के लेखक हैं?
तो ऑप्शन नंबर सी गुनाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 58, बहादुर का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 59, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 60, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें।